देखिए, 8 दिन पहले यहाँ लेबर कॉलोनी इलाके के अंदर कुछ ऐसे साइन बोर्ड्स लगाए गए थे कि जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि 8 तारीख को आप लोगों ने अगर अपने मकानात खाली नहीं किए तो यहाँ पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। तो उसके बाद से यहाँ पर एक दहशत का निर्माण हो चुका था, दहशत में लोग आ चुके थे, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं पिछले कई सालों से वो लोग यहाँ पर इस बस्ती में रहते हैं और अचानक उनके ऊपर एक ऐसा ऑर्डर मुसल्लत किया गया कि आज 8 तारीख को आप लोग खाली करें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो लेबर कॉलोनी है तो ये यहाँ पे जो लोग एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने गवर्नमेंट की कई सालों तक खिदमत की तो ये उनको क्वार्टर्स अलाउ किए गए थे। उसके बाद में देखा गया कि आज जो हरकत हो रही है तो ये गवर्नमेंट से ज़्यादा इसके अंदर ज़मीन माफियाओं का हिस्सा दिख रहा है। तो ज़मीन माफिया जो है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्व होकर यहाँ के लोगों के ऊपर इनडायरेक्टली प्रेशर लाकर इनको यहाँ से खदेड़ना चाहते हैं। तो मेरा यही सवाल है हुकूमत से आपके माध्यम से कि आप यहाँ के लोगों को बिठाएं, यहाँ के पेपर्स चेक करें कि भाई ये असल प्रॉपर्टी है किसकी, क्योंकि ये लोग जो कोर्ट के हवाले दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि सेशन कोर्ट के अंदर जो फैसला आया था उसके बाद से सारी चीज़ें जो चली तो उसके अंदर कहीं ना कहीं गलत पेपर पेश करके अपने तरफ से फैसले किए गए। लेकिन अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन लोगों के साथ में बैठ के चर्चा की तो इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है। हमारी डिमांड यही है कि यहाँ के जितने रहने वाले लोग हैं इनको एक पर्यायी जगह दिया जाए, क्योंकि बेघर करना कई सालों से ऐसे लोग हैं जिनके ना कोई औलाद है ना कोई है, सिर्फ और सिर्फ वो 2 ज़ईफ़ लोग उस घर में रहते हैं, कई बीमार है। जब से ये ऑर्डर सुनने के बाद तो और कई लोगों की यहाँ पे तबीयतें ख़राब हुई। तो हम लोगों ने ये तय किया आज यहाँ पूरे लेबर कॉलोनी के माएँ बहनें बच्चे मासूम ज़ईफ़ लोग जो है सारे लोग रोड पर हैं, क्योंकि बेघर होने से अच्छा है रोड के ऊपर आगे बढ़ जाना चाहिए। और गवर्नमेंट उससे यही निवेदन करेंगे कि इनको पुनर्वसन किया जाए, इनका कहीं ना कहीं ऑप्शनल जगह दी जाए, तभी ये लोग यहाँ से हटेंगे। हमारे नासिर भाई ने इस इशू में तफसीली बोले, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी हुकूमत लोगों के घर बसाती है ये पहली बार है, तो 3 पहियों की हुकूमत लोगों के घर उजाड़ने पर आ गई है। आप देख रहे हैं कितने ज़ईफ़ और परेशान बुज़ुर्ग अफराद आपके सामने खड़े हैं जो बरसों से यहाँ पर रहते थे। सिटी में आप जानते हैं कि छोटा सा घर बनाना मुश्किल है। अगर हुकूमत ये जानती है कि भाई ये उनकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर एक तो लैंड का डिस्प्यूट है, मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो पूरा इलाका है ये वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, और सरकारी दफ्तर अगर सूबेदारी गेस्ट हाउस भी खाली करना चाहिए, कलेक्टर ऑफिस भी खाली करना चाहिए, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस भी खाली करना चाहिए। अगर लोगों को हटाना है तो सरकारी दफातर भी हटाना चाहिए, ये प्रॉपर्टी भी डिस्प्यूट है। अगर इस तरह लोगों को अचानक आकर, एक पिछले 2 वर्षों से लोग हैं तो माशी तौर पर परेशान है, एजुकेशन नहीं है बच्चों का, लोग हद से ज़्यादा है तो खाने पीने तक मोहताज है, और उसमें इस तरह के फैसले करना, मैं समझता हूँ ये कलेक्टर साहब जो भी डिसीज़न ले रहे हैं ये किसी सियासी रहनुमा के दबाव में ले रहे हैं। उन्होंने ये सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं और क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। इन हालात में इस तरह के फैसले मुनासिब नहीं है। मैं हुकूमत से डिमांड करता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, कि कम से कम गरीब लोगों की तरफ देखें, लोगों के घर उजाड़ने के बजाय उसे बसाने की कोशिश करें, और इन्हें पहले मुतबादिल घर बना के दे। जिस तरह वज़ीर आज़म की जो स्कीम है घरकुल स्कीम में, इनके घर तामीर करें और उन्हें शिफ्ट करें, सब खाली कर देंगे। लेकिन इस तरह अचानक उन पर रोड पर निकाल देना उन्हें और रोड पर बिठा देना, ये मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ हुकूमत की ज़्यादती है, हिटलर शाही है, अंग्रेज़ों ने भी इस तरह की हरकत नहीं की थी। आज हमारे शहर में पालक मंत्री आए हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंग्रेज़ों ने भी अपने हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद इस तरह की हरकत नहीं की है जिस तरह की हरकत ये हुकूमत कर रही है। और आपके मारफत करिए कलेक्टर साहब, पालक मंत्री साहब से मेरी दरख्वास्त है कि घरकुल योजना में जो घर बने हुए हैं इन्हें वहाँ शिफ्ट करें, और उसके बाद इस तरह की हरकत करके मुनासिब होगा। इससे लेकर शहर तक हर खबर आप तक, सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक, लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।